हेलो दोस्तों, मैं आकाश दास स्वागत करता हूँ आप सभी को और एक कमाल के फ्रेश वीडियो में। आज के इस वीडियो में आप जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप कॉलेज के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, स्कूल स्टूडेंट्स हो सकते हैं, जो कि कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं, मेरे तरह मैं क्लास 11th 12th में कंप्यूटर साइंस लिया था, उसके बाद कंप्यूटर साइंस में बीटेक कर रहा हूँ, तो आपको मैं बताऊँगा कि क्या क्या एक्चुअली सब्जेक्ट्स होते हैं जब आप बीटेक करते हैं या फिर कोई भी नॉर्मल एक कंप्यूटर साइंस की अगर डिग्री करते हैं, इन जनरल क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, वो सारा चीज़ मैं आपको आज क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं 11th 12th कंप्लीट करके जैसे ही एडमिशन लिया, मुझे लगा था कि कंप्लीटली सारा चीज़ कंप्यूटर रिलेटेड होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल सत्य 100% नहीं है। आपको इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं जो कि दूसरे दूसरे ब्रांचेस से रिलेटेड हैं। यहाँ पे आपको मैथ्स भी पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में। सो, ये धोखे में मत रहिए कि आपका इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में, मतलब आप हमेशा कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ही पढ़ेंगे। शॉकिंग फैक्ट ये है कि अभी करेंटली मैं थर्ड ईयर में हूँ, यहाँ पे मुझे बायोलॉजी भी पढ़ने पड़ रहा है, इंजीनियरिंग बायोलॉजी जिसे बोलते हैं। तो आपको मैं अभी बताऊँगा कि क्या क्या एक्चुअली सब्जेक्ट्स होते हैं कंप्यूटर साइंस में। सबसे पहला चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग फिजिक्स, ये तीन हो गया। आपका दो सेमेस्टर होता है फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर, 6-6 महीने का पीरियड। यहाँ पे अगर मैथ्स 1 आप पढ़ते हैं सेमेस्टर 1 में, तो सेमेस्टर 2 में डेफिनेटली आप मैथ्स 2 पढ़ेंगे, लेकिन जो फिजिक्स केमिस्ट्री का डिवीजन है, एक सेमेस्टर में आप फिजिक्स पढ़ेंगे, दूसरे सेमेस्टर पे आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे। फर्स्ट ईयर की अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ईयर वाइज हम लोग बात कर रहे होंगे यहाँ पे क्या क्या सब्जेक्ट्स रहता है। पहले हो गया मैथ्स 1, फिर सेकेंड सेमेस्टर में मैथ्स 2, दोनों कंबाइन फर्स्ट ईयर में ही आप पढ़ेंगे। उसके बाद एक सेमेस्टर में आप फिजिक्स पढ़ेंगे, दूसरे सेमेस्टर में आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसका मतलब यह है कि आप एक सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, दूसरे सेमेस्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। ये आप सोचेंगे कि मेरे कंप्यूटर साइंस है तो इसका लेना देना कुछ है नहीं, तो इसका पढ़ के क्या फ़ायदा, तो डेफिनेटली ये आपका लेना देना उतना नहीं है। लेकिन जो कंप्यूटर के अंदर जो पार्ट्स होते हैं, वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स देखने को मिलेगा, डे टू डे लाइफ में इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आप देखते हैं। सो जनरली अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपको बेसिक ये चीज़ों का पता होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम भी है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सब्जेक्ट का नाम चेंज हो सकता है, लेकिन आपका दूसरा दूसरा कॉलेजेस में थोड़ा थोड़ा वेरिएशंस रहेगा, लेकिन कॉमन लेआउट मैं आपको अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये होने के बाद जो आपका नेक्स्ट चीज़ है वो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ये हर ब्रांच के लिए कॉमन है, कोई अगर मैकेनिकल का भी स्टूडेंट है वो भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ेगा, जहाँ पे C++ कोई भी लैंग्वेज बेसिक पकड़ के वहाँ पे उनको समझाते हैं, तो सी लैंग्वेज जनरली कॉमन रहता है हर एक इंजीनियरिंग कॉलेज में। सो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हो गया, इसके साथ एक इंग्लिश सब्जेक्ट रहेगा। इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको बेसिक कम्युनिकेटिव एंड टेक्निकल इंग्लिश सिखाया जाएगा कि फोनेटिक्स क्या होते हैं और प्रोफेशनल इंग्लिश क्या होता है, उसके बारे में आपको समझाया जाएगा। इसके बाद है आपका नॉन क्रेडिट वगैरह सब्जेक्ट होता है, जो कि आपको नॉलेज पर्पज़ के लिए सीखना पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा, जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके साथ है एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो ये मतलब कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं जिनके लिए क्रेडिट्स नहीं होता, क्रेडिट सिस्टम आप समझेंगे अलग से किसी और वीडियो में। तो क्रेडिट्स का मेन मतलब ये होता है कि पर सब्जेक्ट वाइज कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं, उतना पॉइंट्स आपको मिलेगा मार्क्स के हिसाब से। आगे बात करते हैं प्रैक्टिकल की, तो जो जो थ्योरी सब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे वो सेम चीज़ का कुछ कुछ में प्रैक्टिकल्स होता है, जैसे कंप्यूटर में प्रैक्टिकल होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल होगा। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में सबसे पहले मैंने जैसे बताया कि फिजिक्स और केमिस्ट्री, डेफिनेटली आप 11th 12th में भी फिजिक्स केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल कर चुके हैं, यहाँ पे भी आप फिजिक्स केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल करेंगे, लैब्स वगैरह होगा। इसके बाद है आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, जहाँ पे मैकेनिकल के स्टूडेंट्स, सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स काफ़ी प्रैक्टिकल किया करते थे, सो वो प्रैक्टिकल आप कंप्यूटर साइंस में भी आपको वो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा, काफ़ी सारा चीज़ वहाँ पे आपको पता चल जाएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो इसके साथ है आपका ग्राफिक्स इंजीनियरिंग, यानी कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग भी बोलते हैं काफ़ी लोग इसे। सो इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपका बेसिकली ड्राइंग करना पड़ता है मेजरमेंट करके, मेजरमेंट के बारे में आप काफ़ी सारा चीज़ सीखेंगे, तो ग्राफिक्स
जो हो गया इंजीनियरिंग ड्राइंग, आपको EDV बोलते हैं। इसके बाद आपका आता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लैब। ये दोनों में आप सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कनेक्शन होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, एनोड कैथोड, वो सारे चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे। फिर होगा डेफिनेटली कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग का लैब होगा। सो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैब में आप सी प्रोग्रामिंग आप कंप्यूटर में करेंगे। इसके बाद है इंग्लिश लैब। इंग्लिश लैब में आपको प्रैक्टिकल इंग्लिश सिखाया जाएगा कि कैसे स्टैंडिंग पोस्चर कैसा होना चाहिए, बातचीत करने का तरीका कैसा होना चाहिए, वो सभी चीज़ों के बारे में आप बात करेंगे। नाउ कमिंग टू सेकेंड सेमेस्टर। तो सेकेंड सेमेस्टर में जैसे आप एंटर करते हैं, तो मैथ्स 1 आपने पढ़ लिया फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में आप लोग पढ़ेंगे मैथ्स 2। मैथ्स 2 के बाद इंजीनियरिंग जो फिजिक्स केमिस्ट्री था उसका अल्टरनेटिव आ जाएगा। वहाँ पे अगर आपने फिजिक्स पढ़ा तो यहाँ पे केमिस्ट्री, केमिस्ट्री पढ़ा है तो इधर फिजिक्स हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको मैं बात करता हूँ डेटा स्ट्रक्चर एंड अल्गोरिदम्स। डेटा स्ट्रक्चर एंड अल्गोरिदम्स में बेसिकली उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DSA। जो आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़े हो वहाँ पे आप बेसिक कंप्यूटर नॉलेज प्रोग्रामिंग के बारे में सीखते हो, लेकिन एक्चुअली वो डेटा कैसे स्टोर होता है, उसका अरेंजमेंट कैसा है, कौन से तरीके से हमें स्पीड वे में अच्छे से रिजल्ट मिलेगा, वो सभी आपको बताया जाएगा डेटा स्ट्रक्चर एंड अल्गोरिदम्स चैप्टर में। तो जो बच्चों का ये सब्जेक्ट वीक हो जाता है उनको कंप्यूटर के डीपली समझने में डिफ़िकल्ट होता है। सो आई रिक्वेस्ट कि जब भी आप पढ़ रहे हैं कोई भी लैंग्वेज तो उसके डेटा स्ट्रक्चर और अल्गोरिदम को पढ़ने की और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए। इसके बाद बात करते हैं हम लैब की। तो लैब में डेफिनेटली फिजिक्स केमिस्ट्री का लैब हो जाएगा और यहाँ पे आपका डेटा स्ट्रक्चर का भी लैब होगा, जहाँ पे आप स्टैक, क्यू, लिंक्ड लिस्ट, ये सभी चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं हम सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर आपका शुरू हो जाता है थर्ड सेमेस्टर से। थर्ड सेमेस्टर में आप मैथ्स 3 पढ़ेंगे। यहाँ पे ब्रांच स्पेसिफिक मैथ्स होता है। CEC के लिए अलग मैथ्स चाहिए और दूसरे ब्रांच के लिए अलग मैथ्स चाहिए। तो CEC के लिए जो जो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से जो मैथ्स ज़रूरत होगा वो मैथ्स आप सीख लेंगे, पढ़ लेंगे। ये होने के बाद आप एक सब्जेक्ट आ जाते हैं यहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। किसी कॉलेज में होता है, किसी में नहीं होता है, या फिर कुछ वेरिएशंस होके नाम बोल सकते हैं, लेकिन आप चैप्टर्स देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं उसके बारे में जानेंगे डिजिटली, जो 0 और 1 के फॉर्म में कैसे हम काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स में डेटा एंटर करते हैं, हमें वो आउटपुट मिलता है, उसके बारे में आप पढ़ेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। कन्वर्जेंस वगैरह भी रहता है, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, वो सारा चीज़ आपके कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स में भी कवर होता है। इसी के बाद मैं बताना चाहूँगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। सो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी एक सब्जेक्ट है जो मैथमेटिक्स है, डेफिनेटली ये मैथ्स है, लेकिन मैथ्स 3 में आप अलग मैथ्स पढ़ते हैं, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आप अलग मैथमेटिक्स स्टडी करेंगे। अब आता है यहाँ पे काफ़ी के सारे कॉलेजेस में जावा का इंट्रोडक्शन, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा। तो जावा लैंग्वेज आप पढ़ेंगे यहाँ पे सेकेंड ईयर में। फर्स्ट ईयर में आपने सी लैंग्वेज पढ़ा और उसका डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, तो सेकेंड ईयर में आप पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा। जावा हो जाने के बाद काफ़ी सारे कॉलेज में अभी ये इंट्रोड्यूस किया गया है, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट भी हो वो पढ़ेगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, BME जिसे बोलते हैं, वो भी काफ़ी बार पढ़ाया जाता है, जहाँ पे आपको थर्मोडाइनमिक्स रहेगा, मैकेनिक्स रहेगा, ये सारा चीज़ आपको अच्छे से समझाया जाएगा। काफ़ी बार बोरिंग भी लगेगा कि यार कंप्यूटर साइंस में हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे, ये सारा चीज़ हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन बेसिक नॉलेज पर्पज़ के लिए कि अगर आप इंजीनियर हैं तो चारों तरफ का आपको नॉलेज होना चाहिए, वो पर्पज़ के वजह से आपको ये बताया जा रहा है। लैब की अगर बात करें तो यहाँ पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो आप पढ़ेंगे थ्योरी उसका प्रैक्टिकल हो जाएगा, सर्किट बोर्ड में आप लोग कनेक्शन करेंगे, जावा का भी लैब होगा, जावा प्रोग्रामिंग करेंगे, और इंटर्नशिप्स वगैरह आपका शुरू हो जाता है। AICTE के वजह से यहाँ पे बोला गया है कि 3 इंटर्नशिप्स आपका कंपलसरी है। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सेमेस्टर की, दैट इज सेमेस्टर 4, सेकेंड ईयर का जो दूसरा सेमेस्टर होता है। यहाँ पे आप मैथ्स 4 पढ़ेंगे, ठीक है। मैथ्स अभी आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सेमेस्टर में 3 मैथ्स पढ़ लिए, यहाँ पे मैथ्स 4 बोला जाएगा, और पर्टिकुलरली CSE के लिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स की बात करें तो काफ़ी सारा कम्प्लीटली कंप्यूटर ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, कंप्यूटर साइंस रिलेटेड। पहले सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ अल्गोरिदम्स, जिसको हम बोलते हैं DAA, डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ अल्गोरिदम्स। ये सब्जेक्ट में आपको डिटेल में बताया जाएगा कि कैसे एक अल्गोरिदम को हम डेवलप कर सकते हैं, या फिर डिफरेंट अल्गोरिदम्स को हम कंपेयर कर सकते हैं, कौन सा किसका क्या स्पीड है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, और एक क्वेश्चन अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो कौन सा एल्गोरिदम फॉलो करना हमारे लिए अच्छा रहेगा, अच्छा रिजल्ट देगा, वो सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। काफ़ी सारे कैलकुलेशन से आपको अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।
तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स में आप डेटा को कैसे स्टोर किया जाता है, एक डेटा को दूसरे डेटा के साथ कैसे लिंक बैठता है, वो सभी चीज़ों के बारे में आपको ये सब्जेक्ट में देखने को मिलेगा। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग चैप्टर्स भी है इसमें, प्रैक्टिकल कंप्लीटली प्रैक्टिकल आप रिलेट करके उसको पढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर COA। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर में एक्चुअली कंप्यूटर के अंदर अगर आप एक CPU को ओपन करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलेगा, वो सभी चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में। आगे बात करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट। फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट में ये एक MBA का सब्जेक्ट है जो कि आपको BTech में पढ़ाया जा रहा है। क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर करेंगे BTech कंप्लीट करने के बाद, तो कैसे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आपको पता होना चाहिए, कैसे बिहेव करना है, क्या क्या मतलब डिफरेंट प्रिंसिपल्स होते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। प्रैक्टिकल की बात करें तो थ्योरी में आपने देखा था DART, डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, डेफिनेटली उसका प्रैक्टिकल हो जाएगा। एल्गोरिदम के बेसिस पे आप कोडिंग करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS की। तो DBMS में आप SQL प्रोग्रामिंग करेंगे कि डेटा को कैसे स्टोर करना है, फिर उसको रिट्रीव करना है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन कैसे करना है, लिंक कैसे करना है, वो सारा चीज़ आप सीखेंगे DBMS लैब में। फिर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर लैब में आप आर्किटेक्चर समझेंगे कि कंप्यूटर का एक्चुअली आर्किटेक्चर कैसा है, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे काम करते हैं एक के साथ दूसरा जोड़ के, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। नाउ कमिंग टू थर्ड ईयर। सो थर्ड ईयर से आप ऑब्जर्व करेंगे कि ऑलमोस्ट सारा सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर साइंस रिलेटेड हो गया होगा। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा ही सारा सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट देखेंगे पूरा कोर कंप्यूटर साइंस रिलेटेड है। सब्जेक्ट्स की बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स। सो ऑपरेटिंग सिस्टम्स में एक्चुअली एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कैसे कनेक्ट होते हैं यूज़र के साथ, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कैसे बनाया जाता है, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, वो सारा चीज़ आप डिटेल में स्टडी करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में। फिर है कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट में आपको बताया जाता है कि कैसे नेटवर्किंग होता है, एक के साथ दूसरा कंप्यूटर कैसे कम्युनिकेट करेगा, डिफरेंट लेयर्स क्या होते हैं, वो सभी चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स में। फिर यहाँ पे है बायोलॉजी इंट्रोड्यूस हो गया है, काफ़ी सारे कॉलेजेस में बायोलॉजी पढ़ाया जा रहा है। बायोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, वो एक वीडियो मैं अलग से बना चुका हूँ, इंटरव्यू वीडियो है, जाके देख लीजिए। अभी बात करते हैं प्रोफेशनल एथिक्स एंड वैल्यूज। प्रोफेशनल एथिक्स एंड वैल्यूज में सेम आपका जैसे फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट सिखाया था वहाँ पे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होता है, यहाँ पे एथिक्स एंड वैल्यूज, क्या वैल्यू सिस्टम होना चाहिए, कैसे बिहेवियर होना चाहिए और क्या क्या आपके अंदर एथिकल चीज़ें होना चाहिए, वो सभी मतलब प्रोफेशनल एटीट्यूड होना चाहिए, वो सभी यहाँ पे बताया जाएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे प्रोफेशनल इलेक्टिव। प्रोफेशनल इलेक्टिव ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको सब्जेक्ट चूज करने का मौका मिलता है। तीन चार वेरिएशंस होंगे, वो तीन चार वेरिएशन से आप एक एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ, एक के लिए है आपका डेटा माइनिंग एंड डेटा वेयरहाउसिंग, एडवांस जावा, सिस्टम प्रोग्रामिंग, ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है। उसी तरीके से आपका दूसरा प्रोफेशनल इलेक्टिव तीन सब्जेक्ट में से, तीन चार सब्जेक्ट में से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा, जिसके लिए ऑप्शन है स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस, मोबाइल कंप्यूटिंग, रियल टाइम सिस्टम्स। सो ऐसे ऐसे चीज़ों में आपको बताया जा रहा है कि वो आपको चूज करना पड़ता है, जिसमें ज़्यादा स्टूडेंट्स रहेंगे डेफिनेटली वो एलोकेट किया जाएगा, कम स्टूडेंट्स रहेंगे तो उसका सब्स्टिट्यूट अल्टरनेटिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं ये बात करना चाहूँगा कि जो आपको इंटरेस्ट है फ्यूचर में उसी फील्ड में आपको जाना है, तो डेफिनेटली आप वो फील्ड में एंटर करके आगे जा सकते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सेमेस्टर की। और ये सेम में अगर लैब की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम का लैब हो जाएगा, कंप्यूटर नेटवर्क्स का भी लैब हो जाएगा। आगे बात करते हैं सेमेस्टर सिक्स की। तो सिक्स सेमेस्टर में आपका आ जाएगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में STLD एक सब्जेक्ट हुआ करता था, उसी का पार्ट है। यहाँ पे बताया जाएगा कि क्या क्या डिफरेंट स्टेजेस होते हैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फील्ड में, सॉफ्टवेयर डेवलपर के फील्ड में। ऐसा आप मत सोचिए कि जो कोडिंग ही करता है वही सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उतना ही है एक्चुअल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे टेस्टिंग का भी फील्ड आता है, डेवलपमेंट फील्ड आता है, आइडिया कैसे सोचते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं, ये सारे फील्ड को मिला के आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बनता है। इसी के साथ है फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इसी के साथ मशीन लर्निंग आपका एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है। ये कब की बात कर रहे हैं, सिक्स्थ सेमेस्टर यानी कि थर्ड ईयर के सेकेंड पार्ट में आपको ये सारा सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे प्रोफेशनल इलेक्टिव्स है, प्रोफेशनल इलेक्टिव्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स ऑप्शंस दिया गया है, जैसे वहाँ पे मशीन लर्निंग था तो डेफिनेटली उससे रिलेटेड आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिया जा रहा है। उसके बाद है वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स,
फिर है वेब एप्लीकेशन टूल्स, फिर है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन। इतना चीज़ आपको ओवरऑल मिल जाएगा देखने को आपको प्रोफेशनल इलेक्टिव्स में। सो ये इलेक्टिव्स होने के बाद प्रैक्टिकल की बात करें, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रैक्टिकल हो जाएगा, फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी के बारे में आपको लैब हो जाएगा, फिर इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी लैब, और फिर सॉफ्ट स्किल्स एंड इंटरपर्सनल स्किल्स लैब। सो ये डेफिनेटली आपको पता है कि HR GD राउंड जो होता है उसमें कैसे आपको प्रेजेंट करना है, वो सारी चीज़ों के बारे में सब्जेक्ट के जरिए से आपको ट्रेनिंग मिल जाएगा। नाउ कमिंग टू द फाइनल ईयर, दैट इज फोर्थ ईयर। तो फोर्थ ईयर शुरू होता है आपका सेवन्थ सेमेस्टर से, दो सेमेस्टर होते हैं। सब्जेक्ट्स यहाँ पे बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि आपको प्लेसमेंट के लिए तैयारी करना है, कोई हायर स्टडीज़ कर रहा है तो उसके लिए तैयारी कर रहा होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो प्रोफेशनल इलेक्टिव और ओपन इलेक्टिव होते हैं, यानी कि आप अपने ब्रांच से ले सकते हो और दूसरे ब्रांच से भी एक छोटा सा सब्जेक्ट ले सकते हो। सो जो अपने ब्रांच से है, जो सब्जेक्ट की अगर बात करें, सॉफ्ट कंप्यूटिंग एक सब्जेक्ट है। इसके बाद अगर इलेक्टिव्स में देखें, एडवांस मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और इसके साथ एक कंपाइलर डिज़ाइन, फिर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। ठीक है, अपने ब्रांच से ये हो गया। आगे बात करते हैं अगर ओपन इलेक्टिव की, तो ओपन इलेक्टिव में आपको जो 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 सब्जेक्ट मिलेगा देखने को, उसका अगर बात करें वो है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड सेफ्टी, अप्लाइड लीनियर अलजेब्रा, इंडस्ट्रियल पॉलीमर्स, सिग्नल एंड सिस्टम्स, ट्रांसड्यूसर एंड मेजरमेंट सिस्टम्स। सो ये हो गया ओपन इलेक्टिव वन। फिर दूसरा ओपन इलेक्टिव है एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस, न्यूमेरिकल मेथड्स, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फ्लूइड मैकेनिक्स, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग। ये होने के बाद आपका ख़त्म हो जाता है सेवन्थ सेमेस्टर। सेवन्थ सेमेस्टर कंप्लीट हो गया, यहाँ पे लैब भी आ जाएंगे, सेमिनार वगैरह, इंटर्नशिप वगैरह भी कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं फाइनल सेमेस्टर की, एट्थ सेमेस्टर। सो एट्थ सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट आएगा वो है कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स के साथ आएगा प्रोफेशनल इलेक्टिव में बिग डेटा एनालिटिक्स, उसके बाद है क्रिप्टोग्राफी एंड सिक्योरिटी, एम्बेडेड सिस्टम्स, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। इसके बाद अगर हम बात करें ओपन इलेक्टिव में, तो रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स, ग्राफ थ्योरी, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, VLSI डिज़ाइन, एम्बेडेड सिस्टम्स, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, VLSI डिज़ाइन मैंने दो बार बोल दिया गलती से। तो इतना चीज़ आपको कवर हो जाएगा कम्प्लीटली ओपन इलेक्टिव वन में। दूसरे ओपन इलेक्टिव की अगर बात करें तो उसमें आ जाएगा एनर्जी स्टडीज, सिमुलेशन एंड मॉडलिंग, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, माइक्रो प्रोसेसर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर्स, फिर उसके बाद आ जाएगा इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन। ये आपका कंप्लीट हो जाता है कंप्लीट एक कंप्यूटर साइंस का पूरा जर्नी, क्या क्या सब्जेक्ट्स रहते हैं सारा चीज़ मैंने आपको बताया। तो आप अभी से प्लान कर लीजिए अगर आपके पास टाइम है, और अगर आप सोच सकते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इंटरेस्टिंग कौन सा लगता है, हर एक सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा टाइम निकाल के सोचिए कौन सा अच्छा रहेगा, क्या आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, इंटरेस्ट रहेगा तो तभी आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। तो उसी के हिसाब से आप सब्जेक्ट चूज़ कीजिए, अच्छे से वाइजली चूज़ कीजिए, गलत डिसीजन मत लीजिए। काफ़ी बार ये लगता है कि क्यों मैंने ये सब्जेक्ट चूज़ कर लिया, अगर मैं दूसरा सब्जेक्ट लेता तो अच्छा रहता, ऐसा बिल्कुल माइंड में कभी नहीं आना चाहिए। ये तभी नहीं आएगा जब आप अच्छे से पहले से सोच के डिसीजन लेंगे। मेरे तरफ से इतना था सब्जेक्ट डिस्कशन, मिलते हैं हम अगले किसी वीडियो में। अगर आपको डिफरेंस समझना है कि कंप्यूटर साइंस और IT में क्या डिफरेंस होता है, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, इसके साथ डिस्क्रिप्शन में भी पहला लिंक मिल जाएगा, वो लिंक को जाके आप देख लीजिए क्या डिफरेंस होता है एक्चुअली कंप्यूटर साइंस और IT में। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।